ये कहानी है एक बारिश की, जिसकी तारीख हम आपको बता नहीं सकते क्योंकि हमें पता नहीं है। उस बारिश की सबसे गैर मामूली बात यह है कि उसकी हर बूंद में एक सपना टपका। मोटरसाइकिल पर सवार एक आदमी अपने चार लोगों के परिवार को मोटरसाइकिल पर बैठाकर भारतीय सड़कों पर हर जगह मिलने वाले गड्ढों की परवाह किए बिना बीच पानी से गुजर रहा था। वो इस बात से अनजान था कि उसकी बगल में देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। उस उद्योगपति जिसकी नज़र ने अपने देश के आम आदमी की बेबसी के मर्म को उसी वक्त पहचाना और बारिश में टपकते हुए सपने को आकार देने में लग गया। सपना क्या था? चार लोगों का परिवार बारिश, गर्मी, सर्दी जैसे मौसम में बिना परेशान हुए अपनी कार में चल सके। लेकिन हर आदमी की जेब इतनी भारी नहीं होती कि वो कार खरीद सके। लेकिन उस उद्योगपति ने अपने आम आदमी की परेशानी को ख़त्म करने के लिए अपना मन बना लिया था और वो अब ऐसी कार अपने देश को देने वाला था जिसकी कीमत मोटरसाइकिल के आसपास हो। वो उद्योगपति जिसने 2008 में आम आदमी के इस सपने को साकार किया, जिसने दुनिया की सबसे सस्ती कार अपने देश के लोगों को दी, उसका नाम अब तक भूमिका में आप 10 बार मन ही मन सोच चुके होंगे। नाम है रतन नवल टाटा। नवल टाटा 2008 में 1 लाख रुपए की कीमत वाली टाटा नैनो लाकर दुनिया भर में तहलका मचाने वाले रतन टाटा की कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है, ये आपको इत्मीनान से सुननी होगी क्योंकि ये कहानी बेमिसाल है। ये कहानी 152 के बिजनेसमैन और देश सेवा में रहे एक परिवार की भी है जिसे हम टाटा कहते हैं। गुजरात के ओखा में 1927 में देश में पहली बार नमक बनाने का काम शुरू हुआ। यहीं से रतन टाटा की ज़िंदगी में आने वाले एक महत्वपूर्ण कल की शुरुआत थी। उस वक्त रतन टाटा पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन वक्त कुछ तैयारियां महान बनने वालों के हक में पहले से ही कर लेता है। ओखा साल्ट वर्क को साल 1938 में इसके शुरू होने के 11वें साल में JRD टाटा ने खरीद लिया था। उस वक्त नन्हे रतन टाटा महज 1 साल के थे। आगे चलकर इन्हीं रतन टाटा ने JRD टाटा के साथ 1984 में टाटा आयोडीन नमक को देश के सामने प्रस्तुत किया। इसमें बिजनेस तो था ही, लेकिन देश सेवा भी थी क्योंकि आयोडीन की कमी से घेंगा, गर्भपात, शारीरिक विकास में रुकावट, वृद्ध बच्चा पैदा होना, काम करने में थकावट, विकलांगता, मंदबुद्धि, बोनापन जैसी समस्याओं से उस वक्त देश जूझ रहा था। उस वक्त आयोडाइज नमक शुरू करके इसे 2 रुपये प्रति किलो में बेचा, जबकि सामने कैप्टन कुक जैसा पहले से स्थापित विदेशी ब्रांड अपना नमक नॉन स्टिकी फ्री फ्लो बताकर देश में बेच रहा था। रतन टाटा ने पहली बार JRD टाटा के साथ टैगलाइन के साथ नमक बाजार में उतारा। टैगलाइन थी देश का नमक, और कमाल हो गया, आज तक भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला नमक टाटा नमक ही है। कैप्टन कुक ने अपने नमक की कीमत 3 रुपये प्रति किलो रखी और ये सोचा कि महंगा होने की वजह से लोग सोचेंगे कि कैप्टन कुक का नमक ज़्यादा अच्छा है। लेकिन टाटा में लोगों के भरोसे की वजह से कैप्टन कुक का नाम देश से खत्म हो गया। टाटा ने नमक आयोडीन मिलाकर न सिर्फ कारोबार किया बल्कि 1 रुपये सस्ता बेचकर लोगों की सेहत भी बांटी। लेकिन कहानी तो अब शुरू होगी, ये तो सिर्फ मुजाहरा ही है। ये टाटा परिवार की देश को फिर से आज़ादी का तोहफा था क्योंकि जिस कैप्टन कुक ब्रांड का नमक देश में बिक रहा था वो कैप्टन जेम्स कुक के नाम पर था, जो कि ब्रिटिश रॉयल नेवी का एक कप्तान, खोजकर्ता, मानचित्र बनाने वाला नाविक था। टाटा परिवार ने एक देश को देश का नमक खिलाया और अपने नमक का हक भी अदा किया कैप्टन कुक को देश से बाहर धकेल कर। खैर, लौटते हैं देश के रत्न के अपभ्रंश पर जिसे हम रतन टाटा कहते हैं। रतन टाटा का बचपन उनकी पूरी ज़िंदगी पर हावी रहा। दरअसल उनके पिता नवल टाटा और माँ सुनी टाटा का रिश्ता दरकने लगा था और रतन टाटा जब 7 साल के थे तब पिता नवल टाटा और सुनी टाटा का तलाक हो गया। इस घटना का रतन टाटा के बालमन पर गहरा असर हुआ। रतन टाटा की माँ सुनी टाटा की दूसरी शादी के बाद रतन और उसके भाई जिमी की परवरिश उनकी दादी नवाज बाई सेठ टाटा ने की।
अक्सर स्कूल में रतन टाटा और उनके भाई जिमी को माता पिता के तलाक और माँ की दूसरी शादी को लेकर छेड़ा जाता था, लेकिन उनकी दादी नवाजबाई शेठ टाटा ने उन्हें सिखाया था कि हर कीमत पर अपने और अपने परिवार के सम्मान को बनाए रखना। और दादी की ये बात रतन टाटा की उम्र हर बीतते साल के साथ चली आ रही है। पूरा देश इसका साक्षी है, दादी की छत्रछाया में बेहद अच्छा बचपन बीता। लेकिन टाटा उम्र से कुछ ज़्यादा बड़े हो गए थे, क्योंकि माता पिता के अलगाव ने उन्हें थोड़ा जल्दी तजुर्बा अता कर दिया। रतन की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से शुरू हुई। इसके बाद कैथेड्रल और जॉन कानन स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। साल 1962 में अमेरिका से आर्किटेक्ट में बीएस किया। इसी दरमियान उन्हें पहली बार प्रेम हुआ, ये उन्हें लॉस एंजलिस में हुआ। रतन उस लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन इस दरमियान रतन टाटा की दादी नवाजबाई की सेहत खराब हो गई। रतन टाटा को हिंदुस्तान लौटना पड़ा। यहाँ आते ही भारत चीन युद्ध की भी शुरुआत हो गई। रतन टाटा ने उस लड़की के परिवार से गुजारिश की कि उसे भारत भेज दे, वहाँ वो शादी कर लेंगे। लेकिन उस लड़की और उसके परिवार ने भारत चीन युद्ध के कारण अपना फैसला बदल लिया और उस लड़की की शादी कहीं और हो गई और रतन टाटा अब अकेले रह गए। रतन टाटा ने कभी पब्लिकली उस लड़की का नाम नहीं लिया जिसे वो चाहते थे, ताकि उसकी वैवाहिक ज़िंदगी में कोई दिक्कत ना हो। हाँ, ये कहानी उन्होंने बिना उसका नाम लिए एक फेसबुक पेज ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे में शेयर किया था। यही 1962 एक तरफ उनसे उनका प्यार छीन ले गया, तो यही साल इस युवा लड़के को भारत ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी खानदान का वारिस बनाने के सफ़र पर भी ले चला। रतन ने इस साल टाटा स्टील डिवीज़न के साथ नीली कॉलर वाली कर्मचारियों यानी मजदूरों के साथ तपती हुई भट्टियों पर काम करना शुरू किया। एक तरफ स्टील को तपाकर रतन आकार दे रहे थे, दूसरी तरफ जिंदगी अपनी भट्टी में रतन टाटा को आकार दे रही थी। सुलगते हुए धातु को आकार देना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल है सुलगते हुए दिल को सही आकार देना। लेकिन ज़िंदगी और दादी की परवरिश ने रतन को उनके नाम के अनुरूप तैयार किया था। 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड यानी नेल्को के डायरेक्टर का पदभार टाटा परिवार ने दिया। यहाँ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई, पर आर्थिक मंदी के चलते वो ज़्यादा सक्सेस नहीं कमा पाए। 1977 में उन्हें टाटा की ही एक संघर्षरत कपड़ा मिल एम्प्रेस मिल में काम दिया गया। टाटा के अन्य अधिकारियों ने इस पर आपत्ति देकर उनके काम शुरू करने से पहले ही हार मनवा दी। लेकिन साल 1991 मार्च महीने की 22वीं तारीख रतन टाटा हाउस के बॉम्बे कार्यालय से देश भर के टाटा ग्रुप से जुड़े सभी बड़े नामों और अधिकारियों को धड़कन बढ़ाने वाला एक कॉल आया, जिसमें उन्हें अवगत कराया गया कि 27 मार्च को होने वाली कंपनी की एक बेहद अहम बैठक के आयोजन की डेट बदलकर 25 कर दी गई है। हर हाल में बैठक में शामिल हो, टाटा हाउस के 4th फ्लोर पर सबसे बड़े वार्डरूम हॉल में ये बैठक शुरू हुई। ताज होटल के अजीत बाबूराव केलकर, बॉम्बे डाइंस के नस्ली वाडिया, एसोसिएट सीमेंट कंपनीज लिमिटेड के नानी पालकीवाला, टाटा केमिकल्स के दरबारी से टाटा स्टील्स के उप चेयरमैन रतन टाटा भी बैठक में मौजूद थे। बस एक आदमी जिसे जीआरडी टाटा सबसे ज़्यादा पसंद करते थे वो मौजूद नहीं थे, यानी टाटा स्टील्स के चेयरमैन रूसी मोदी। उनकी जगह उनके उप चेयरमैन रतन टाटा मौजूद थे। रूसी मोदी का वहाँ मौजूद न होना और रतन टाटा का मौजूद होना लगभग कहानी बयां कर रहा था, क्योंकि रूसी मोदी कहा करते थे कि इंग्लैंड के सबसे प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल हैरो से इस सदी में तीन ही महान लोग पढ़े हैं, पहले विंस्टन चर्चिल, जवाहरलाल नेहरू और रूसी मोदी। जेआरडी टाटा काबिल होने के बावजूद रूसी मोदी को संभवतः उनके अहंकार की वजह से टाटा संस्कार की कमान नहीं दी, और सरल, सौम्य और गंभीर और ज़मीन से जुड़े रतन टाटा में उन्हें टाटा सन्स और देश के हित को देखा। जेआरडी टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में रतन टाटा का नाम प्रस्तावित किया। एक पल एक खामोशी छा गई। टाटा सन्स के सबसे बड़े शेयर होल्डर प्लोनजी शाहपुरजी मिस्त्री ने भी रतन टाटा के नाम पर समर्थन दिया। रतन टाटा अब देश के सबसे बड़े टाटा सन्स के युवा और नए चेयरमैन बन गए थे। रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के बल पर टाटा को विश्व भर में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अब आते हैं उस किस्से पर जो न सिर्फ स्वाभिमान से जुड़ा है, बल्कि रतन टाटा का जब जब जिक्र होगा हर भारतीय इसे दोहराएगा।
1998 आया, कार चलाने और फाइटर जेट उड़ाने के शौकीन रतन टाटा ने देश को टाटा की हैचबैक टाटा इंडिका की सौगात दी। पर टाटा की इस अच्छी कार पर खुद देश ने ही भरोसा नहीं दिखाया, क्योंकि हमारे जहन में मेड इन इंडिया थोड़ा रुतबे और रुबाब के खिलाफ है। उस वक्त एक बेहतरीन कार देने के बावजूद लोगों ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई और रतन टाटा को इसे बेचने का फैसला लेना पड़ा। दुनिया की नामवर कंपनी फोर्ड ने शुरू शुरू में इसमें दिलचस्पी दिखाई और उनके अधिकारी मुंबई आकर कार को देखकर ये कह गए कि डेट्रॉइट आकर आप दफ्तर में डील करिए। रतन टाटा अपने कुछ अधिकारियों के साथ डेट्रॉइट गए। 3 घंटे की मीटिंग में रतन टाटा को फोर्ड ने आखिर में यह कह दिया कि जब आपको कार बनाने का अनुभव नहीं है तो आपने क्यों बनाई। ये टाटा के लिए एक बिन मांगी नसीहत और फजीहत दोनों थी। मामला यहाँ भी अगर रुक जाता तो ठीक था, लेकिन फोर्ड कुछ ज़्यादा ही हावी होने के चक्कर में बिल फोर्ड यहाँ तक कह गए कि आपकी ये कार खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। मीटिंग खत्म हुई, टाटा बिना रुके एयरपोर्ट पहुँचे और 90 मिनट की पूरी फ्लाइट जो डेट्रॉइट से न्यूयॉर्क आई थी उसमें बैठे रतन टाटा कुछ नहीं बोले। वे उदास थे। कुछ बीते वर्षों में देश में खूब टाटा इंडिका दौड़ने लगी, पर दूसरी तरफ अमेरिका ऑटो हब डेट्रॉइट की हालत ख़राब होने लगी। 2008 तक फोर्ड दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया। इस बार बारी थी रतन टाटा की कि फोर्ड के अधिकारी भारत आए, टाटा से गुजारिश की कि वो उनका लग्जरी ब्रांड जैगवार लैंड रोवर खरीद ले। रतन टाटा ने इसे $2.3 अरब यानी 9,300 करोड़ में खरीद लिया। और मज़े की बात ये थी कि फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि जैगवार और लैंड रोवर खरीद कर आप हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। GLR उस वक्त बहुत बड़े घाटे में था, लेकिन रतन टाटा जल्द ही इसको मुनाफे में ले आए और पूरे विश्व की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अपना लोहा मनवा दिया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो एशिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, उसमें आने वाले 60% रोगियों का निःशुल्क उपचार किया जाता है। रतन टाटा कोविड के इस वक्त में 1500 करोड़ रुपए देश हित में दान देते हैं। टाटा घोषणा करते हैं कि उनकी कंपनी के किसी भी व्यक्ति का निधन कोरोना से हुआ है तो 60 वर्ष की आयु तक तमाम सैलरी परिवार को दी जाएगी। 1500 करोड़ देकर ये भी कहते हैं कि देश को अगर ज़रूरत होगी तो और देंगे। यही वो कंपनी है जिसने अपने कर्मचारियों की काम की शिफ्ट 8 घंटे की। यही रतन टाटा पर्यावरण के लिए, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए, जीव जंतुओं के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए खूब दान देते हैं। आप कहेंगे कितना दान देते हैं? अपनी सैलरी का 60% हिस्सा। तो सैलरी कितनी है? लगभग 100 करोड़। मुद्दा यह है कि कोलाबा में एक बहुत बड़े बंगले में एक धन कुबेर रहता है, पर रहता फकीरों की तरह है। उसने और उसके परिवार ने हमेशा देश को दिया है और दे रहे हैं। पद्म भूषण सम्मान, पद्म विभूषण जैसे सम्मान मिले। अब जब देश में रतन टाटा को भारत रत्न देने की मुहिम चली तो सादगी से इस अभियान को रोकने का आग्रह कर दिया। वैसे भारत उनका देश है, रतन उसका नाम है, दोनों अगर साथ लिख दिए जाए तो भारत रतन ही होता है। ये सम्मान उसे जन्म से ही हासिल नहीं है। हाँ, उसने इसे आपके दिलों में पाया है। रतन टाटा की क्या कहानी, हम तो बस उनके सम्मान में यूं ही बांसते चले जा रहे हैं, क्योंकि कुछ कहानियां लिखने वाले की कलम से और कहने वाले के व्यक्तित्व से बड़ी होती है। रतन टाटा बेहद विशाल है, आप भी उन्हें हमसे ज़्यादा जानते होंगे। हमारा ये एपिसोड तो उन पर शादी के तस्वीरों के एक एल्बम जैसा है जो अतीत को ताज़ा करता रहेगा। उनकी शख्सियत अदने शब्दों में बयां होगी भी कैसे। चलिए एक पुराने शेर से इसे इति करते हैं, शायद ये बयां कर दे जो हम रतन टाटा को नहीं कर सके। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। धन्यवाद श्री रतन टाटा भारत में आने के लिए, भारतीय होने के लिए। शुक्रिया।